Welcome back to Imran Khan Biology. Today the topic for discussion is plant hormone. आज के इस टॉपिक में हम प्लांट हार्मोन मतलब जिबरलिन या जिबरलिक एसिड हम स्टडी करेंगे. सो लेट स्टार्ट. अच्छा, जिबरलिन जिसको हम जिबरलिक एसिड भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? इसके तीन फंक्शन हैं. नंबर वन, स्टेम इलोंगेशन. इसके फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है. फंक्शन ऑफ जिबरलिन या जिबरलिक एसिड इज, ये क्या करेगा? फर्स्ट फंक्शन इज टू इलोंगेट स्टेम. स्टेम को इलोंगेट करेगा, स्टेम तने को इलोंगेट करेगा. नंबर टू, फ्रूट ग्रोथ. फ्रूट यानी मेवे को ग्रोथ करवाएगा. नंबर थ्री, इसका फंक्शन है सीड जर्मिनेशन. तो आए इसको अभी हम बारी बारी पढ़ते हैं कि स्टेम इलोंगेशन कैसे करेगा, फ्रूट ग्रोथ कैसे करेगा और सीड जर्मिनेशन कैसे करेगा. अब आता है कि व्हाट इज जिबरलिन. आप कहेंगे कि जिबरलिन इज अ प्लांट हार्मोन विच हेल्प्स इन स्टेम इलोंगेशन, फ्रूट ग्रोथ एंड सीड जर्मिनेशन. ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक. सो लेट्स स्टार्ट. इसको स्टेम इलोंगेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेम इलोंगेशन ये करता कैसे है. अच्छा, यहां पर मैं एक प्लांट बना रहा हूं. ये प्लांट है, और ये भी ग्रोइंग प्लांट है. अभी ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, मैच्योर नहीं हुआ पूरा, ठीक है. ये ग्रोइंग प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, यंग रूट्स इसके रूट्स होंगे, और ये इसका लीफ होगा, यंग लीफ. अब ये बनता कहां है? जिबरलिन या जिबरलिक एसिड कहां पे बनते हैं? साइट ऑफ प्रोडक्शन कहां होगी? हम कहेंगे यंग रूट्स एंड यंग लीफ. यंग लीव्स में और यंग रूट्स में इनकी प्रोडक्शन होगी. सो वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, अगले एडिंग हम देंगे प्रोडक्शन की, कि ये प्रोड्यूस प्रोडक्शन क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे यंग लीव्स एंड यंग रूट्स. इन दो एरियाज में जिबरलिन या जिबरलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये करते क्या है? ये प्रोडक्शन होगी इसकी. इसके अलावा इनका जो फंक्शन है स्टेम इलोंगेशन में, हम क्या कहेंगे? सेल इलोंगेट करते हैं और सेल डिवीजन करते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ जिबरलिन इज टू इलोंगेट द सेल एंड सेल डिवीजन. ये दोनों काम करते हैं, सेल इलोंगेशन करना, सेल इलोंगेट करना, ठीक है. सेल इलोंगेट करना, इलोंगेट करना, ग्रो करना, ठीक है, सेल को ग्रो करना, और सेल डिवीजन करना, और सेल डिवीजन करना. ये जिबरलिन का काम है. दिस इज द फंक्शन ऑफ जिबरलिन. अब ये करते कैसे? जिबरलिन यहां पे प्रोड्यूस हुआ, यंग रूट में प्रोड्यूस हुआ या यंग लीफ में प्रोड्यूस हुआ, और प्रोडक्शन के बाद ये आते हैं स्टेम में. अब हम पढ़ रहे हैं स्टेम इलोंगेशन, स्टेम को कैसे इलोंगेट करते हैं. या फिर ये रूट में बना, और यहां पे बनने के बाद ये स्टेम में आ गए. अब यहां पे मैं स्टेम का सेल बना रहा हूं, ये मैं स्टेम का सेल बना रहा हूं, और इस सेल को मैं यहां पे बड़ा करके बना रहा हूं, ठीक. ये सेल स्टेम, ये स्टेम इस वाली सेल को मैंने बड़ा करके बनाया. अब ये सेल जो है, ये सेल इसके बाहर क्या होते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स. और ये माइक्रोफिब्रिल क्या करते हैं? दीज आर द माइक्रोफिब्रिल. अब माइक्रोफिब्रिल के मल्टीपल लेयर्स होंगे, एक नहीं है, मल्टीपल लेयर्स हैं माइक्रोफिब्रिल के. और ये माइक्रोफिब्रिल क्या होता है?
अच्छा, अब ये माइक्रो फैब्रिक क्या करेगा, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, क्रिस क्रॉस बॉन्डिंग। क्या होगा? क्रिस क्रॉस बॉन्डिंग के थ्रू, क्रिस क्रॉस बॉन्डिंग, CRIS, क्रिस क्रॉस बॉन्डिंग के थ्रू ये क्या होती है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ये बनाएंगे सेल वॉल, तब हम इसे क्या कहेंगे, सेल वॉल। इसमें बाकी चीजें भी होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्रिस क्रॉस के थ्रू जो माइक्रोफिब्रिल क्रिस क्रॉस करते हैं, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो ये क्या होगा, ये एक सेल वॉल बनाएगा। अब ये करता कैसे, ये क्या काम करेगा, मैंने ये सेल बनाया, अब ये सेल जो है, ये इसके सेल मेम्ब्रेन, ये इसके सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन में यहां पे एक रिसेप्टर होगा, देयर इज अ रिसेप्टर इन सेल मेम्ब्रेन, एक रिसेप्टर होगा, नंबर वन। यहां पे हम एक और स्टडी करेंगे, चैनल्स, हम चैनल स्टडी करेंगे। इस चैनल का काम है आयंस को एंटर करना, और यहां पे एक प्रोटीन हम स्टडी करेंगे, उसे कहते हैं एक्सपेंसिन। ये क्या होगा, एक्सपेंसिन, यही फंक्शन, ठीक है, एक्सपेंसिन, यही फंक्शन हम ऑक्सीजन के भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन भी बिल्कुल इसी तरह का काम करते हैं। तो आप मेरा लेक्चर ऑक्सीजन वाला भी देख रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये एक्सपेंसिन, अब क्या होगा, एक्सपेंसिन इज अ प्रोटीन, एक्सपेंसिन क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, जिबरलिन की प्रोडक्शन हुई, ये जिबरलिन मैं ब्लड से बना रहा हूं, जिबरलिन यहां पे प्रोड्यूस हुआ, और जब जिबरलिन इस सेल के करीब आया, लेट्स सपोज मैं इसको सर्कल से ड्रॉ करता हूं जिबरलिन को, ये जिबरलिन है, जिबरलिन क्या करेगा, इस सेल वॉल में से पास करेगा, क्योंकि सेल वॉल केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर, दरमियान में से गैप होते हैं इनका, इनमें से पानी न्यूट्रंट्स ये आसानी से गुजर सकते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, जिबरलिन आया, इसने सेल वॉल को क्रॉस किया और सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे आकर अटैच हुआ, अपने रिसेप्टर के साथ आकर अटैच हुआ, इसको कहते हैं रिसेप्टर फॉर जिबरलिन। अब जब इसको एक्टिवेट करेगा, जब ये इसके साथ बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, जब ये एक्टिवेट हो गया ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन चैनल्स को ओपन कर देगा। अब सेल के बाहर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंटेन्स प्रोटॉन्स, ठीक, यहाँ पे प्रोटॉन मौजूद होंगे, जब ये रिसेप्टर आकर इन वाले प्रोटॉन्स को ओपन कर देगा, शुरू में ये बंद होते हैं, जब इनको ओपन कर देगा तो इसकी ओपनिंग से प्रोटॉन्स एंटर होना शुरू हो जाएंगे, प्रोटॉन सेल के अंदर एंटर होंगे, और जब प्रोटॉन सेल के अंदर एंटर हुए, एंट्री के बाद ये आकर एक्सपेंसिन के साथ अटैच होंगे। एक्सपेंसिन शुरू में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था, जब इसके साथ प्रोटॉन अटैच हुआ, नाउ एक्सपेंसिन क्या हुआ, ये एक्टिवेट हो गया, एक्सपेंसिन क्या हुआ, ये एक्टिवेट हो गया, और जब एक्सपेंसिन एक्टिवेट हुआ, इसके एक्टिवेशन से एक्सपेंसिन जाएगा, इस क्रिस क्रॉस बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा, जो माइक्रोफिब्रिल के दरमियान क्रिस क्रॉस बॉन्डिंग थे उनको तोड़ना शुरू कर देगा। जब ये टूटेंगे तो ये क्या होगा, ये सेल वॉल जो माइक्रोफिब्रिल है ये एक्सपेंड कर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ये एक्सपेंड हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड जब टूटेंगे इनके दरमियान गैप आएगा, ठीक है, ये बड़े हो जाएंगे। इसके बढ़ने से एज ए रिजल्ट प्लांट के अंदर क्या होते हैं, वाटर वैक्यूल होते हैं, पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ठीक है, H2O मतलब पानी एब्जॉर्ब करेगा और वैक्यूल का साइज बढ़ जाएगा। जब वैक्यूल का साइज बढ़ गया, ठीक है, वैक्यूल का साइज बढ़ गया, इसमें पानी आया, इसने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया, इसने वैक्यूल ने जब पानी को स्टोर किया तो इसने ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की इंक्रीज की वजह से सेल मेम्ब्रेन पे फोर्स पड़ा, और सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन का साइज इंक्रीज हो गया। जब सेल मेम्ब्रेन का साइज इंक्रीज हो गया, सो इट मींस के सेल अपना साइज इलोंगेट कर गया, सेल का साइज बढ़ गया, ठीक है। इस तरह क्या होगा, सेल इलोंगेट करते हैं, इस तरह ये तना जो है, ये स्टेम जो है, ये इलोंगेट करते हैं, और आफ्टर इलोंगेशन सेल को डिवाइड भी करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन भी चाहिए इसके परफेक्ट फंक्शन के लिए, ठीक। तो स्टेम इलोंगेशन में इसका टोटल मैकेनिज्म कि स्टेम कैसे इलोंगेट करेगा, कौन, जिबरलिन, ठीक हुआ। अच्छा जी, नंबर टू फंक्शन क्या था, फ्रूट ग्रोथ, क्या फ्रूट ग्रोथ कैसे करेगा। नंबर टू फंक्शन इज फ्रूट ग्रोथ,
सेकंड फंक्शन ऑफ जिबरलिन इज फ्रूट ग्रोथ. ये फ्रूट ग्रोथ कैसे करेगा? अच्छा लेट्स सपोज मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे एक अंगूर लेता हूं, ग्रेप्स. ये मैं ग्रेप्स बना रहा हूं. अच्छा ये ग्रेप्स क्या होते हैं? अब मैं क्या करता हूं, इन ग्रेप्स पे ये ग्रेप्स हैं. अब शुरू में साइज में छोटे हैं, ये ग्रेप्स हैं ठीक है, और साइज में स्मॉल है, स्मॉल इन साइज. मैं क्या करता हूं, इस पे जब जिबरलिन अप्लाई करता हूं, अब ये क्या करेगा, जब मैं इस पे जिबरलिन अप्लाई करूंगा तो फ्रूट ग्रोथ करना शुरू कर देगा. ये क्या करेगा, ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा. अब क्या होगा, नंबर वन ये इस वाले ठीक है एक इसके साइज को इंक्रीज करेगा, इंटरनोडल स्पेस इंक्रीज करेगा, या फिर नोड्स होते हैं ठीक है, एक नोड दूसरा नोड तीन नोड, ये नोड्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज करेगा, नोड्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इंटरनोडल स्पेस ठीक है, इंटरनोडल स्पेस को इंक्रीज करेगा, इंटरनोड्स को इंक्रीज कर देगा. इनके साइज को पहले देखें, ये साइज छोटे थे कम थे, अब क्या हुआ इसने इस साइज को इंक्रीज किया तो इंटरनोडल ग्रोथ की, क्या की, इंटरनोडल ग्रोथ किसने, जिबरलिन ने. अच्छा जी नंबर टू, फ्रूट के साइज को इंक्रीज कर दिया, फ्रूट के साइज को इंक्रीज कर दिया. और ये फ्रूट का साइज इंक्रीज हो गया, जो अंगूर के दाने थे उनका साइज इंक्रीज कर गया. और ये किसकी वजह से हुआ, ये जिबरलिन की वजह से हुआ, जिबरलिन ने किया. अब ये देखें फ्रूट का साइज बढ़ गया ठीक है, और इनके दरमियान स्पेस भी क्रिएट हुआ, इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस भी आया, क्योंकि जब इंटरनोड इंक्रीज कर जाते हैं दरमियान में थोड़ा स्पेस भी आया ताकि हवा आराम से गुजर सके, इस पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो ठीक है. तो ये क्या होगा, ये जिबरलिन ने फ्रूट की ग्रोथ करवा दी ठीक है, इंटरनोड को इंक्रीज किया, इंटरनोडल साइज को इंक्रीज किया. नंबर टू फ्रूट के साइज को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, फ्रूट के साइज को इंक्रीज कर दिया. नंबर थ्री, फ्रूट के दरमियान स्पेस बढ़ा दी, इंक्रीज स्पेस बिटवीन फ्रूट. तो क्या हुआ, इनके दरमियान स्पेस भी बढ़ा दी. ये सेकंड फंक्शन है किसका, जिबरलिन का. अब इसके बाद जो इसका थर्ड फंक्शन है वो है सीड जर्मिनेशन. थर्ड फंक्शन ऑफ जिबरलिन इज सीड जर्मिनेशन. ये सीड को कैसे जर्मिनेट करता है, नंबर थर्ड फंक्शन इज सीड जर्मिनेशन. अच्छा सीड जर्मिनेशन कैसे करेगा, मैं यहां पे एक सीड बना रहा हूं, ये एक सीड है, दिस इज सीड, और ये सीड के जो यहां पे सेल्स होंगे ये सेल्स इसे कहते हैं एल्यूरॉन, ये एल्यूरॉन है, दिस इज एल्यूरॉन ठीक. अब यहां पे क्या होगा, एल्यूरॉन के साथ यहां पे ये पर्पल में बना रहा हूं, इसको हम कहते हैं कोटिलेडन, ये कोटिलेडन है पर्पल वाला, ये क्या है, ये जो मैं ब्लैक में यहां पे बना रहा हूं, ये वाला ब्लू में बना रहा हूं, ये एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो, यहां पे एम्ब्रियो पड़ा है ठीक है, पिक्चर में एम्ब्रियो को इस तरह बनाता हूं, एक नन्हा सा पौधा बनाता हूं ठीक है, ठीक है बस मैं इसको ब्लू में बना रहा हूं, यहां पे एम्ब्रियो है ठीक है, ये एम्ब्रियो ठीक, दिस इज एम्ब्रियो, ये ऊपर वाला कोटिलेडन. अच्छा अब कोटिलेडन से ये क्या होगा, ये एंडोस्पोर है, ये क्या होगा, ये एंडोस्पोर है, ये क्या होगा,
ये डॉट्स में जो बना रहे हैं एंडोस्पोर, दिस इज एंडोस्पोर, दिस इज एंडोस्पोर, ये एंडोस्पोर है। अच्छा अब करेंगे क्या सीड जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में सबसे पहले स्टेप नंबर वन, अब ये सीड पड़ा हुआ जमीन के अंदर, सख्त सर्दी है, अब ये एम्ब्रियो क्या होगा, ये इनएक्टिवेट होगा, ये एम्ब्रियो क्या होगा, ये इनएक्टिवेट, शुरू में सख्त सर्दी है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, जब आप इसको जिबरलिन देंगे इस सीड को, ये एम्ब्रियो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एम्ब्रियो क्या करेगा, ये एक्टिवेट होगा। अच्छा अभी सख्त सर्दी है, बहुत सख्त सर्दी है, या पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो ये सीड पड़ा है, ये ग्रोथ नहीं कर रहा, इसको कौन, इस एम्ब्रियो को कौन इनएक्टिवेट रख रहे हैं उस वक्त, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब इस सीड को पानी नहीं मिलता, या टेम्परेचर बहुत हाई होगा, या सख्त सर्दी होगी, ठीक है, या इसका सीजन नहीं होगा ग्रो करने का, तो एक हार्मोन है उसे कहते हैं एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड क्या करेगा, एम्ब्रियो को इनएक्टिवेट करेगा, मतलब उसको सोया हुआ रखेगा, ये सीड सोया हुआ है, किसकी मौजूदगी में, एब्सेसिक एसिड की मौजूदगी में, ये सीड क्या है, ये सोया हुआ है एब्सेसिक एसिड, ठीक है, एब्सेसिक एसिड, ये एब्सेसिक एसिड की मौजूदगी में ये क्या कर रहा है, इसको इनएक्टिवेट कर रहा है, लेकिन जब मौसम फेवरेबल हुआ, टेम्परेचर ऑप्टिमम हुआ, और इसको पानी मिला, अब जब नंबर वन इसको जब पानी मिला, सबसे पहले जब इसको पानी मिला, इस पानी ने क्या किया, इस एम्ब्रियो को एक्टिवेट किया, जब एम्ब्रियो एक्टिवेट हुआ, एम्ब्रियो ने एक हार्मोन रिलीज किया, उसको कहते हैं जिबरलिन या जिबरलिक एसिड, इसने हार्मोन रिलीज किया जिबरलिन या जिबरलिक एसिड। सो नंबर टू, व्हेन एम्ब्रियो गेट्स वाटर, आप कहेंगे नंबर टू एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो रिलीजेस जिबरलिक एसिड, GA, जिबरलिक एसिड, ये जिबरलिक एसिड रिलीज करेगा, ये जिबरलिन रिलीज करेगा, ये जिबरलिन क्या करेगा, ये जिबरलिन आएगा एलुरॉन के पास, इस एलुरॉन सेल्स को क्या करेगा, इनको एक्टिवेट करेगा, जब एलुरॉन एक्टिवेट हुए, नंबर थ्री आप कहेंगे जिबरलिक एसिड एक्टिवेट्स क्या, एलुरॉन, जिबरलिक एसिड ने एलुरॉन को एक्टिवेट किया, जब एलुरॉन एक्टिवेट हुआ उसने एक एंजाइम रिलीज किया अल्फा अमाइलेज, इसने क्या रिलीज किया, इसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, एलुरॉन ने एक एंजाइम रिलीज किया, इसको कहते हैं अल्फा अमाइलेज, तो आप नंबर फोर क्या लिख सकते हैं, एलुरॉन रिलीजेस अल्फा अमाइलेज, इसने अल्फा अमाइलेज रिलीज किया, अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, एंडोस्पोर की डाइजेशन करेगा, नंबर फाइव अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, एंडोस्पोर की डाइजेशन करेगा, सो नंबर फाइव अल्फा अमाइलेज डाइजेस्ट एम्ब्रियो, और जब एम्ब्रियो डाइजेस्ट हुआ, एंडोस्पोर, जब एंडोस्पोर डाइजेस्ट हुआ तो एंडोस्पोर खुराक था, उस खुराक को एब्जॉर्ब किया कोटिलेडन ने, तो नंबर सिक्स क्या लिखेंगे, कोटिलेडन एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड एंडोस्पोर, क्या करेगा, वो इस डाइजेस्टेड एंडोस्पोर को एब्जॉर्ब करेगा, अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च, या फिर स्टार्च मौजूद है, स्टार्च को क्या करेगा, तोड़ना शुरू करेगा, जब स्टार्च टूटेगा तो उससे ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को तोड़कर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और कोटिलेडन क्या करेगा, एब्जॉर्ब ग्लूकोज, उसी ग्लूकोज को कोटिलेडन एब्जॉर्ब करेगा, तो हम कहेंगे नंबर सिक्स, ग्लूकोज या फूड इज एब्जॉर्ब बाय कोटिलेडन, फूड इज एब्जॉर्ब बाय कोटिलेडन, और जब कोटिलेडन फूड एब्जॉर्ब करेगा तो फाइनली यही फूड एम्ब्रियो को, ठीक है, प्रोवाइड करेगा। सो नंबर सेवन, कोटिलेडन
कोटिलेडन प्रोवाइड्स फूड फूड टू किसको एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा। और नंबर एट एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग, एम्ब्रियो क्या करेगा एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग, एम्ब्रियो की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो जिबरेलिन एसिड इस तरह काम करेगा, तीन फंक्शन स्टेम एलोंगेशन फ्रूट ग्रोथ और तीसरा सीड जर्मिनेशन। तो ये इस तरह सीड जर्मिनेशन इन आठ स्टेप्स में सीड जर्मिनेशन करता है। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।